में आपका बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में आपका कोर्स लगभग खत्म हो गया। आज हम रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। रिवीजन में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसको देखेंगे, ठीक है, और उसका अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ को कहते हैं सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों आपको ये बहुत पहले बढ़ाया भी जा चुका है, आप फिर से शुरू करते हैं, आपको याद भी होता जाए, ठीक है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। क्या होता है निरपेक्ष मान? जब हमने सवाल किए थे तो हमेशा पॉजिटिव प्लस में आता है, ठीक है। तो क्या होता है उसका धन संख्या, पॉजिटिव होता है। सेकंड, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है क्या? रैखिक कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताते हैं आपको। सपोज 2x, ये x की घात क्या है? 1। कोई घात नहीं है तो ये कहलाता है रैखिक या लीनियर, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल 2x होता है, ठीक। अब तीसरा है दो संख्या का योग 25। देखो बच्चों योग मतलब क्या? जोड़ना, और अंतर 5 मैंने घटाना, ठीक है। इजी है, दो संख्या 25 है और अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होंगी, इसका आंसर है 15 और 10। कैसे होंगी देखो, आप 15 और 10 को जोड़ें कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक। इसी प्रकार 15 में से 10 घटाएं तो क्या आएगा? 5। क्लियर हुआ? योग यानी 25 और अंतर यानी 5, ठीक। बिंदु ऋण 4 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश आपको समझाया गया कि कितने होते हैं? 4 प्रकार के, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक। प्रथम में क्या होता है कि प्लस प्लस, दोनों संख्या प्लस प्लस में होती है। द्वितीय में होता है एक माइनस और प्लस, ठीक। तृतीय में क्या होता है? दोनों संख्याएं माइनस में होती है, ठीक, माइनस एक्स एच और माइनस वाई एच, ठीक। तो क्या जाएगा? ये तृतीय में जाएगा, ठीक। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए था कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं। एक क्या चित्र बनाते हैं छोटा सा, ठीक, ये बना। तो इसका सही उत्तर है, इसमें आधार और ऊंचाई दोनों पाई जाती है। तो उत्तर है ए, ठीक, ये आधार है और ये ऊंचाई, ठीक है, हाइट बोलते हैं जिसको, और बेस, बेस मींस आधार, ठीक। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक। अगला है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक। फर्स्ट है 3 करणी 5 का, करणी घात। देखिए करणी का मतलब होता है वर्गमूल, ये चिन्ह को कहते हैं वर्गमूल, हाँ, या क्या कहते हैं? करणी भी कहते हैं, हाँ, ठीक। अब इसकी घात पूछ रहे हैं, इसकी घात जो है वो 3 है क्योंकि लिखा है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक। सेकंड, 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक क्या है? देखिए गुणांक का मतलब होता है जिस संख्या में, दो संख्याओं का जिसमें आपस में गुणांक हो, ठीक। एक्स की घात 3 का गुणांक, तो यहाँ देखिए 3 × करेंगे ना x की घात 3, तो x की घात 3 का गुणांक क्या है? ये 3 कहलाए, ठीक। तो सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड, 2 चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ क्या होता है? क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, ठीक। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको
जब पढ़ाया था घना आपको बता दें दो आयत को जोड़कर घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है। तो घनाभ होगा
कि x की घात 2 का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है? तो 2 प्लस x स्क्वायर तक अपन रुक जाते हैं, x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो x स्क्वायर में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इनटू a मानते हैं ना, तो a जो है वो इसका गुणांक होगा, ठीक, इसका सही उत्तर है a होगा। हां, क्वाड्रेटिक समीकरण में चर की राशि की उच्चतम घात होती है 1 होती है, ठीक। तर्क बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr एंड r प्लस h, किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं, प्रायिकता। फिर है 1344 केप का समांतर माध्य होगा, ये बहुत इजी है बच्चों, इसको चारों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ेंगे अपन, कैसे, 1 + 3 + 4 + 4 इज इक्वल टू, इतना हुआ है 1, और जितनी भी संख्या है उसको भागित कर देते हैं ना, तो 4 से भागित करोगे तो क्या होगा, 3 बार इसको कैंसिल होगा, सही उत्तर 3 होगा, ठीक है बच्चों।